हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ मल्टीपर्पज़ कैटल, और इसको मैंने ऑनलाइन अमेजोन से मंगाया है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इससे पहले मेरे पास दो कैटल हैं, लेकिन वो सिर्फ पानी गर्म करने के लिए है। तो और उसमें साफ़ सफाई करते नहीं बनता, उसका जो मुँह होता है काफ़ी छोटा होता है, जिस वजह से हाथ अंदर तक नहीं जाता। तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़ी कैटल ली है। तो ये अंदर इसके बिल दिया गया है, तो इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है। और अमेजोन से अगर कोई मैसेज मंगाते हैं तो इस काफ़ी सेफ्टी से आती है, काफ़ी इसको कवर करके भेजते हैं ताकि कोई इसमें दिक्कत ना हो, कुछ डैमेज ना हो। तो ये है रूसल हॉब्स इलेक्ट्रिक कैटल, और इसको आप मल्टी कुकर भी कह सकते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। रूसल हॉब्स इलेक्ट्रिक कैटल, और इसकी कैपेसिटी है 800 वॉट और 1.2 लीटर है ये, और 2 ईयर की इसकी वारंटी है। तो ये देखिए कैटल का स्विच ऑन ऑफ दिया गया है इसमें, और इसमें आप एग बॉयल कर सकते हैं और अपनी स्टीम वाली जितनी भी चीज़ें वो बना सकते हैं आप। तो चलिए अंदर से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये इसकी MRP है, पर हमें कम प्राइस में मिला है। तो ये देखिए, तो ये है नीचे का स्टैंड जिसमें हम कैटल को फिट करेंगे, और ये है कैटल की लिड जो ग्लास की दी गई है, और ये स्टीम के लिए है, और इसमें जो हैंडल है वो भी काफ़ी मजबूत है। और ये रही कैटल, और इसमें दिया गया है ये स्टैंड दिया गया है एग बॉयल करने के लिए, और ये देखिए इसको हम इस तरह से इसमें फिट करेंगे। और ये इसकी वायर दी गई है, वायर तकरीबन 1 मीटर वायर है, और ये है इसका ऑन ऑफ बटन। और ज़्यादातर कैटल में आप देखेंगे सिर्फ ऑन ऑफ का बटन होता है, लेकिन इसमें टेम्परेचर भी 70 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, और मैक्स दिया गया है, इसमें कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और अगर आप लाइट बंद करना भूल गए हैं या स्विच ऑफ करना भूल गए हैं तो इसमें कट ऑफ हो जाता है। ये देखिए इसको स्टैंड को हम इस तरह से फिट करेंगे, और इसमें पानी डाल के इसको हम स्टीम कर सकते हैं, और हम इसमें थोड़ा स्टीम करके दिखाते हैं। ये देखिए वायर 1 मीटर की है, तो इसको मैंने स्टैंड पे लगा दिया। थोड़ा सा पानी इसमें हम गर्म करते हैं, और ये 2 से 3 सेकंड में पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा। और इसका टेम्परेचर मैंने अभी 70 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, और ये देखिए साथ में लाइट भी चल गई है, और ये देखिए 2 मिनट ही हुआ है और पानी अच्छे से गर्म हो गया है। और इसका मुँह देख सकते हैं आप कितना खुला है। जो लोग घर से बाहर अकेले रहते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसमें आप मैगी बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, और भी कई स्टीम चीज़ें बना सकते हैं। बाकी इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।